हेलो दोस्तों, इजी टेकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइबर स्प्लाइसिंग मशीन के बारे में, जो कि फाइबर जोड़ने के काम आती है। और मैंने अपने लिए मंगाई थी वो मशीन, बट मैं उसकी अनबॉक्सिंग नहीं की थी अभी तक मैंने। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक वीडियो बना दूं मैं ओपनिंग के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी मशीन के बारे में और मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो की अनबॉक्सिंग करके, और एक स्प्लाइस करके भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें फाइबर मशीन से स्प्लाइस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेरी स्प्लाइसिंग मशीन, कुछ इस तरीके का बॉक्स जो है आपको देखने को मिलेगा अगर आप परचेस करते हो। तो इसमें टोटल एक्सेसरीज इसके साथ जो आती है वो सारी इसके अंदर है। एक बार मैं अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने ये ओपन कर लिया था तो मैं आपको दिखाता हूँ। बीच में हमारी स्प्लाइसिंग मशीन और ये हमारा है इसकी बेल्ट, इसको मशीन को उठाने के लिए। ये हमारा चार्जर मशीन को चार्ज करने के लिए। ये कूलिंग ट्रे मशीन के पीछे हम इसको लगाते हैं, जो जब हम फाइबर स्प्लाइस करके हीट करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए इस पर रख देते हैं तो ये कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये हमारा एक ब्रश और ये एल की है और एक स्क्रू है और ये चाबी है इस बॉक्स की। एंड दो इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं जो फाइबर स्प्लाइस जो जोड़ती हैं फाइबर को, हीट होती हैं ये। तो इसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद इसको चेंज करना पड़ता है। तो इसमें दो स्पेयर अलग से इन्होंने दी हुई हैं और ये हमारा स्टीपर है जो फाइबर को छीलने के काम आता है। एक बार मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा स्टीपर है जो हमारा फाइबर को छीलने के काम आता है, क्लीन करने के काम आता है। और ये इसके साथ में आता है, ये हमारा इंडोर जो फाइबर होती है पतली वाली उसको छीलने के काम आता है ये कटर। ये एक और इसमें स्टीपर है, ये मैंने अलग से परचेस किया हुआ है। स्क्रू ड्राइवर है, ये स्लिप है, जब फाइबर को हमें हीट करना होता है तो ये स्लिप के अंदर हम फाइबर को छील के डालते हैं। यह क्लीवर फाइबर को कट करने के काम आता है। ये इसमें एक ब्लेड लगा हुआ है, ये जो आप देख सकते हैं ये ब्लेड है तो फाइबर को कट करने के काम आता है। ओके, और एक ये बॉटल है, इसमें इसके अंदर थिनर भर सकते हैं। और सबसे अच्छा है इसमें कि आपको थिनर भरना है और उसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो थिनर ऊपर आ जाएगा अपने आप ही। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि फाइबर मशीन के साथ आती हैं। अब लास्ट में हम ओपन कर लेते हैं, फाइबर मशीन को निकाल लेते हैं। ये हमारी फाइबर मशीन, तो कुछ ऐसी है हमारी फाइबर मशीन। ये हमारी जो स्क्रीन है यहाँ पर नीचे, और ये हमारा स्प्लाइसिंग जोन है, यहाँ पर हम स्प्लाइस करेंगे, फाइबर को लगाएंगे और ये स्प्लाइस। और ये हमारा हीट चैम्बर है, यहाँ पर हम फाइबर को डाल देंगे स्लिप के साथ तो यहाँ पर हमारी हीट हो जाएगी वो। तो अभी हम एक स्प्लाइस करके देखेंगे कि किस तरीके से हमें स्प्लाइस करना होता है। तो मैं एक फाइबर का टुकड़ा लेके आता हूँ और फिर मैं आपको स्प्लाइस करके दिखाता हूँ। फाइबर को स्प्लाइस करने के लिए हमें क्लीवर की ज़रूरत है, एक स्लिप की ज़रूरत है और एक स्ट्रिपर की ज़रूरत है फाइबर कट करने के लिए। अभी क्या है, हमारे पास ये फाइबर है, इसको मैंने छील लिया है और इसमें से जो एक कोर है फाइबर का हम उसको निकाल के और जोड़ के दिखाएंगे। मैंने फाइबर ले लिया है और इसको पहले हम कट कर लेते हैं छील के, फिर एक बार जॉइंट करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने दो कलर की फाइबर ले रही हैं ताकि जुड़ने के बाद आपको देखने में इजी रहे, कि ये वीडियो में थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगी। मैं एक बार फाइबर दिखा देता हूँ आपको। ये दो फाइबर है मेरे पास, एक
वाइट है और एक ब्लू है, ठीक है। इन दोनों को मैं पहले स्ट्रिप कर लेता हूँ स्ट्रिपर से, उसके बाद क्लीवर से कट कर लेंगे और फिर मशीन में रखेंगे। तो हमें ये जो थर्ड नंबर का है हमारे क्लीवर में पॉइंट, इसमें लगा के इसको क्लीन करनी है, ठीक है। वैसे इसको टिश्यू से हम क्लीन कर लेते हैं, बट मैं इसको हाथ से कर रहा हूँ क्लीन। अगर टिश्यू से थिनर लगा के आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह क्लीन हो जाएगी, ओके। बट काम चल जाएगा हमारा इससे भी। यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको फाइबर जो है यहाँ तक लेके आनी है, अगर यहाँ तक नहीं आएगी तो ये कट नहीं होगी। और इसको हम ब्लेड को पहले आगे कर लेंगे, इसको बंद करेंगे और इसको करेंगे, हम देखते हैं इसकी। तो फाइबर जो है हमारी कट हो गई है, ये देख सकते हैं आप, ये हो गई। अब इसको हम निकाल लेते हैं और मशीन में सेट करते हैं इसको। आपको देखने में आसानी हो इसलिए मैंने फाइबर मशीन को उल्टा रख दिया है आपके देखने के लिए। और पहले तो हम इसको ऑन कर लेते हैं, तो कुछ हमारी मशीन ऑन हो रही है इस तरीके की है, ओके। इसको ओपन करते हैं, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। तो अभी हम फाइबर को इस तरफ रखेंगे, ये देख सकते हैं आप, और हम इसको बंद कर देंगे। थोड़ा सा गैप रह गया है, ओके ठीक है। हमारी इतनी दूर फाइबर, इसको हम बंद करते हैं, ओके। अभी दूसरी वाली फाइबर को हम एक बार कट करके क्लीन कर लेते हैं और फिर उसको भी हम यहाँ सेट कर देंगे। हमारी दूसरी फाइबर है, इसको भी हम ये फाइबर कट हो गई है, इसको भी हम सेट कर लेते हैं मशीन में। ओके, हमारी फाइबर सेट हो गई है, इसको हम बंद करते हैं और यहाँ देखते हैं स्क्रीन पे। तो हमारी फाइबर ओके, वन टाइम में ही हमारी फाइबर जो है जुड़ गई है। और इसको एक बार मैं सीधा कर देता हूँ और एक बार देखते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो हमारे यहाँ पर लॉसेस है 0.02 dB और हमारी फाइबर जो है सक्सेसफुली जुड़ गई है। अब एक बार हम इसको हीट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। इसको फाइबर को निकाल लेते हैं पहले तो हम, ये हमारी फाइबर जो है जुड़ गई है और हम इसमें स्लिप डाल लेते हैं। ये हमारी फाइबर जो है जुड़ गई है, ब्लू कलर और वाइट कलर, इसमें स्लिप डालते हैं। तो ये हमने स्लिप डाल दी है और इसको हम हीट चैम्बर में डाल देते हैं। ये हमारा हीट चैम्बर है और
इसमें हमने डाल दिया। अभी देखेंगे यहाँ पे इसको डालते हैं, एक ब्लू कलर की एलईडी ऑन हुई है और जैसे ये हीट पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये एलईडी ऑफ हो जाएगी अपने आप। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके तो हमारी हीटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, फाइबर हमारी जुड़ गई है। अभी क्या है इस टाइम पर ये थोड़ा हीट ज़्यादा होता है तो इसीलिए कूलिंग ट्रे जो होती है वो उसमें हम इसको रख देते हैं, वो पीछे लगाते हैं बट उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, इतना आराम से हो जाता है नॉर्मल। तो अभी आपको मैंने फाइबर स्प्लाइस करके दिखा दिया है, अभी हम बात करते हैं फाइबर मॉडल नंबर के बारे में और कौन सी ब्रांड का ये। पहले तो मैं बता दूँ ये एक चाइनीज़ ब्रांड है बट जो इस पे नाम लिखा गया है रिवो, ये इंडियन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम है। इसको मल्टीलिंक करके एक कंपनी है नेहरू प्लेस में, वो मैन्युफैक्चरिंग करवाती है चाइना से और इंपोर्ट करवा के यहाँ पर सेल करती है। तो ऑफिशियली इंडिया में कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है जो कि इंडियन हो और मैन्युफैक्चरिंग भी करती हो फाइबर स्प्लाइसिंग मशीन की। तो सारी जो भी मशीन है वो या तो चाइना से इंपोर्ट होती हैं और इंडियन टैग के साथ बिकती हैं या फिर चाइनीज़ ब्रांड नेम के साथ ही इंडिया में बिकती हैं। सबसे ज़्यादा इसमें फेमस है फूजीगोरा है, फूजीगोरा की जो मशीन है वो नंबर वन मानी जाती है इस लाइन में और सबसे ज़्यादा कंपनीज उसी को परचेज करती हैं। अभी इस डिवाइस की इस मशीन की कॉस्ट में अगर देखूँ तो चाइना से अगर मैं इसको इम्पोर्ट कराता हूँ तो मेरे को ये मशीन जो पड़ेगी 60,000 to 70,000 की पड़ेगी प्लस कस्टम ड्यूटीज। और ये मशीन मैंने यहाँ परचेज की है 1,30,000 प्लस GST की। तो फ्रेंड्स अगर आप ये मशीन परचेज करना चाहते हैं तो या तो आप चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट करा सकते हैं बट उसमें रिस्क रहता है कि वारंटी का, आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर वारंटी का इशू आता है तो वहाँ पर आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं बात करूँ कि इंडिया की कोई भी ब्रांड की आप मशीन ले लो जो कि बेसिक चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हुई हो तो उस केस में आपकी वारंटी का इशू ख़त्म हो जाता है। तो बाकी आप देख सकते हैं जैसे ही आपको मशीन ठीक लगे आप वो परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ मुझे बताएं और किस तरीके से स्प्लाइस करना है ये मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर आप डिटेल में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। आप प्राइस रिलेटेड या मशीन परचेज करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन हैं आप प्लीज़ कमेंट में करें, मुझे मेल भी कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।